इस वीडियो में हम लोग करेंगे मुगल पीरियड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने दिल्ली सल्तनत के सारे वन लाइनर करवा दिए हैं, अब मैं आप लोगों को मुगल पीरियड के वन लाइनर करवा दूंगा। जितने भी वन लाइनर करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ आप लोगों को यही क्वेश्चन पढ़कर जाने अपने एग्जाम में, अलग से कटिंग आप लोग इस वीडियो की मिल जाएगी। 10-15 मिनट में हम लोग इसे भी कवर कर लेंगे। तो अब लोग स्टार्ट करते हैं मुगल पीरियड। तो चलिए मुगल एम्पायर देख लेते हैं। इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है। क्या ट्रिक है इसकी? ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, भज सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, आप लोग याद रखना। आप लोगों से ऑर्डर में पूछे गए थे कि किस ऑर्डर में कौन था, तो सबसे पहले इसका जो ट्रिक है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी से बनता बाबर, तो बाबर आप लोगों के फर्स्ट थे, बाबर फर्स्ट थे। उसके बाद नेक्स्ट आता आप लोगों का एच से बनता आप लोगों के हुमायूं सेकंड थे। थर्ड नंबर पर आता आप लोगों का ए, ए फोर अकबर था। फिर आता आप लोगों का जे, तो जे फोर आप लोगों का जहांगीर था। और एस फोर आता आप लोगों का शाहजहां था। शाहजहां के बाद ए फोर क्या होता है आप लोगों का? औरंगजेब था। औरंगजेब का ओरिजिनल नेम भी पूछा जाता है आलमगीर था। क्या नाम था ओरिजिनल नेम? आलमगीर था। उसके बाद लास्ट आप लोगों को याद रखना बहादुर शाह प्रथम, तो ये लास्ट रूलर थे। तो ये आप लोग इस ट्रिक से याद रखिएगा, इनके ऑर्डर आप लोगों से एफसीआई में पूछे गए थे, आगे भी पूछे जाएंगे। इस ट्रिक को रट लीजिएगा, भज सब। तो ये सारे के सारे रूलर थे आप लोगों के, बाबर वाले जो आप लोगों के मुगल एम्पायर था। तो अब हमने इनके बारे में एक एक करके सारे के सारे फैक्ट देखेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। वेयर डिड द बाबर डाई? तो बाबर कहाँ पर डाई हुआ था? तो आगरा में डाई हुआ था, वहीं पर इनको मतलब कि दफना भी दिया गया था। बाद में फिर इनको वहाँ लिया गया जहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते थे, अफगानिस्तान से। हु इज बिलीव टू हैव द क्रिएट द राग मियाँ की मल्हार? तो ये जो राग था मियाँ की मल्हार, इसको किसने क्रिएट किया था? तो इसको तानसेन ने क्रिएट किया था मियाँ की मल्हार। मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट वाज सीज विद द फॉल ऑफ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बाद जो मुगल की प्रेजेंस थी कहाँ पर? दिल्ली के रेड फोर्ट में, वो एकदम खत्म हो जाती है, लास्ट मतलब सीज हो जाती है। द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द माइन। तो जो कोहिनूर डायमंड था ये कहाँ से प्रोड्यूस किया गया था? तो ये गोलकुंडा की माइन थी। कहाँ की? गोलकुंडा की माइन से इसको प्रोड्यूस किया गया था। हु इज द ऑथर ऑफ द आईने अकबरी? तो आईने अकबरी के ऑथर कौन है? अबुल फजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अबुल फजल। बहादुर शाह वाज द लास्ट मुगल रूलर, तो लास्ट कौन थे? बहादुर शाह वाज द लास्ट रूलर। हु वाज इलिटरेट? ये भी पूछा जाता है कि इलिटरेट कौन थे, अनपढ़ कौन थे? तो इलिटरेट अकबर थे। द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वाज कौन था? अब्दुल रहीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब्दुल रहीम। हु वाज डिफीटेड बाई बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो किसको डिफीट किया था? 1526 की बैटल थी, 21 अप्रैल 1526 की बैटल थी, बैटल ऑफ पानीपत थी प्रथम, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मुगल पेंटिंग फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ? किसके टाइम पर जो मुगलों की जो पेंटिंग हुआ करती फ्लरिश हो रही थी? तो जहांगीर के टाइम पर। किसके? जहांगीर के टाइम पर। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रेन वाज द हैंड ऑफ? तो जो रेवेन्यू सिस्टम था वो किसके हाथ में होता था, उसको किसको कौन देख रेख करता? तो टोडरमल, ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोडरमल, याद रखिएगा टोडरमल क्या थे, ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच मुगल पेंटर अकॉर्डिंग टू द अब्दुल फजल वाज एक्सीलेंट इन ड्राइंग ऑफ द फ्यूचर? तो कौन से थे? बसावन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक पेंटर थे बसावन। दारा शिको फाइनली लॉस्ट द वार ऑफ सक्सेशन टू औरंगजेब इन द बैटल ऑफ सामूगढ़? कब लड़ी गई थी? 58 में। कब? 1758 में लड़ी गई। कब लड़ी गई थी आप लोगों की? बैटल ऑफ सामूगढ़ लड़ी गई थी आप लोगों की 1658। कब में? 1658। उसके बाद नेक्स्ट आता है द मोती मस्जिद, द मोती मस्जिद इन आगरा। एक मोती मस्जिद आप लोगों की दिल्ली के रेड फोर्ट में भी है, वो पूछे तो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी। और जो मोती मस्जिद आगरा वाली है वो पूछे किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो वो शाहजहां, और शाहजहां का ओरिजिनल नेम क्या था? खुर्रम। ये भी आप लोग याद रखिएगा, शाहजहां का ओरिजिनल नेम क्या था? खुर्रम। तुलसीदास कंपोज रामचरितमानस इन द रेन ऑफ? किसके टाइम पीरियड के टाइम पर? अकबर के टाइम पीरियड के पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक दिल्ली, जब नादिर शाह ने दिल्ली को अटैक किया था तो उस समय मुगल एम्पायर कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे। अगर आप लोगों से ईयर पूछा जाए तो 71739 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया था दिल्ली पर। अगर आप लोगों से पूछा जाए तैमूर ने कब अटैक किया था, ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, तो 1398 में तैमूर का अटैक होता है, और मोहम्मद शाह के टाइम पर पे नादिर शाह का अटैक होता है दिल्ली पर। मुगल डायनेस्टी वाज द बहादुर शाह जफर एज ए लोधी डायनेस्टी वाज टू, ये कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इब्राहिम लोधी। अच्छा, ये आप लोगों को मैच करना है, ये लास्ट किंग से मैच करना था कि उसका लास्ट किंग कौन था, लोधी का लास्ट किंग तो कौन था। उसके बाद नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ खानवा, तो बैटल ऑफ खानवा 1527 में लड़ी गई थी, तो ये किस किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर एंड राणा सांगा के बीच में लड़ी गई थी बैटल ऑफ खानवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को बाबर की सारी बैटल बता देता हूँ। बाबर ने चार बैटल लड़ी है, एक तो 1526 में लड़ी थी, उसके बाद एक बैटल लड़ी थी 1527 में लड़ी थी, उसके बाद एक बैटल लड़ी थी 1528 में, उसके बाद एक बैटल लड़ी थी 1529 में। तो ये चार बैटल बाबर के द्वारा लड़ी गई थी, और चारों की चारों बैटल बाबर ने जीती थी। तो कौन कौन सी थी? एक तो आप लोगों की होती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो फर्स्ट ऑफ बैटल ऑफ तराइन है, फर्स्ट ऑफ बैटल ऑफ कौन सी? पानीपत, फर्स्ट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत।
ये किसके द्वारा जीती गई थी? बाबर के द्वारा जीती गई थी, 1526 में ये लड़ी गई थी और इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है इनकी, बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा कब लड़ी गई थी? 1527 में लड़ी गई थी, राणा सांगा वर्सेस बाबर। यहाँ पर कौन था? राणा सांगा था। यहाँ पर कौन था? इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। तो यहाँ भी बाबर जीता था, यहाँ राणा सांगा हार गया था तो यहाँ पर भी बाबर जीता था। फिर जो 1528 वाली बैटल थी, ये थी आप लोगों की बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ चंदेरी। और किस किस के बीच में लड़ी गई थी? मेदिनी रॉय। कौन था यहाँ पर? मेदिनी रॉय एंड बाबर। मेदिनी रॉय एंड बाबर था। तो यहाँ पर मेदिनी रॉय को हराया था बाबर ने, यहाँ पर राणा सांगा को हराया था बाबर ने, और यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराया था किसने? बाबर ने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मैंने सॉरी से यहाँ से आप लोगों को तराइन बोल दिया था, ये तो आप लोगों को पता ही है। बैटल ऑफ तराइन कब लड़ी गई थी? 1191 में। वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। उसके बाद लास्ट बैटल थी आप लोगों की 1529 वाली, ये बैटल थी बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा थी, कौन सी? बैटल ऑफ घाघरा थी। और इस बैटल में बाबर ने किसको हराया था? अफगानों को। किसको हराया था? अफगानों को हराया था किसने? बाबर ने। तो ये चारों बैटल बाबर के द्वारा लड़ी गई थी किसकी? उसके बाद नेक्स्ट आता आप लोगों का, हु बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर। तो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने रूल किया था। 1582 में इन्होंने एक स्टार्ट किया था दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अकबर के, 1582 में। वे वाट वर द अहदीस ऑफ अकबर टाइम। तो ये क्या हुआ करते थे? जो फुट सोल्जर हुआ करते थे उनको बोलते थे अहदीस। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मदद ए मास इंडिकेट। तो ये क्या इंडिकेट करता था? रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू द लर्न्ड वर्सन, उसी को बोलते थे मदद ए मास। मोस्ट इंपोर्टेंट है मदद ए मास। अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन किस टाइम पर पे? 1576 में। इसी टाइम पर बैटल ऑफ कौन सी लड़ी गई थी 1576 में? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना 1576 में कौन सी बैटल लड़ी गई थी। इत्मादौला ए टोम्ब एट आगरा वाज बिल्ट बाय, तो नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था इत्मादौला का टोम्ब। द ओरिजिनल नेम ऑफ द मुमताज महल, तो मुमताज महल का ओरिजिनल नेम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, इसका ओरिजिनल नेम था मुमताज महल का, जिसको मेरू निशा भी बोलते थे। उसके बाद नेक्स्ट, मेरू निशा एक अलग है, मेरू निशा आप लोगों की अलग है, मेरू निशा। उसके बाद नेक्स्ट आता है द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। तो ये कौन थे? रोल्फ फिश थे, जो अकबर के टाइम पीरियड पर फर्स्ट इंग्लिश पर्सन थे जो विजिट किए थे। हु वाज कॉल्ड द जिंदा पीर, तो किसको बोलते हैं? औरंगजेब को बोलते हैं। आलमगीर किसका नाम था? औरंगजेब का नाम था। जिंदा पीर हो गया, इसने म्यूजिक पर बैन लगा दिया था। जो क्वाइन पर जो कलमा लिखा जाता था ना क्वाइन पे, तो उस कलमा को भी बैन कर दिया था किसने? औरंगजेब ने। इसी की वाइफ का जो मकबरा है उसी को बोलते हैं किसका? बीबी का मकबरा, जो कहाँ पर? औरंगाबाद, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो बीबी का मकबरा, म्यूजिक पर बैन, कलमा पर बैन और जिंदा पीर, इतने फैक्ट। और यहाँ पर याद रखना, सबसे ज़्यादा जो आप लोग के हिंदू सेनापति जो हिंदू थे ना, जो इनकी जो सेना हुआ करती थी उसमें हिंदू सबसे ज़्यादा थे, ये भी आप लोग याद रख लेना। परमानेंट आर्मी मैंने आप लोग को बताया था अलाउद्दीन खिलजी, परमानेंट आर्मी किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। विच बिल्डिंग बिल्ट बाय द अकबर वाज डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट विहार, तो वो क्या थी? पंचमहल। कौन सी बिल्डिंग? पंचमहल। जजियाबाज री इम्पोज, जजिया को फिर से री इम्पोज किया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। हटा दिया किसने था? अकबर ने। कब? 1564। वेयर इज द टोम्ब ऑफ द शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी का टोम्ब कहाँ पर मिलेगा आप लोग को? सासाराम। और सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में। द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूता वाज एस्टेब्लिश बाई अकबर विद द हाउस ऑफ, किसके साथ? तो कछवाहा के साथ। किसके साथ? कछवाहा। द उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन बाई द दाराशिको, तो किस टाइटल से? तो शिर ए अकबर, यानी कि अपने दादा के नाम से। द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर वर औरंगजेब, तो मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया भी है किसके टाइम पर? औरंगजेब। द रूलर ऑफ मेवाड़ हु डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाई बाबर, तो वो कौन थे? राणा सांगा थे। यहीं पर कौन सा वो स्लोगन दिया था? जिहाद। तो जिहाद का टाइम पर भी किसने? राणा सांगा, बैटल ऑफ खानवा 1527। हु वाज द डॉटर ऑफ द एम्परर, औरंगजेब की डॉटर क्या थी? तो जैबुन निशा थी, इनकी डॉटर थी जैबुन निशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ तंबाकू, कौन था? औरंगजेब था। ये कौन? औरंगजेब। जहांगीर भी था, जहांगीर ने भी बैन लगाया था। हु रोट द अकबरनामा, तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ड्यूरिंग द मुगल रूलर द कॉपर क्वाइन, क्या बोलते थे? कॉपर क्वाइन को दाम बोलते थे, और जो दिल्ली सल्तनत में कॉपर क्वाइन था उसको बोलते थे जीतल, या जीतल, और यहाँ पर मुगल एम्पायर में दाम। विच डिस्ट्रिक्ट वॉज नोन एज द ड्यूरिंग द मुगल, तो डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? सरकार बोलते थे किसके पीरियड पर? मुगल एम्पायर में। द हिस्टोरियन अबू फजल वाज किल्ड बाई द बीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की डेथ की गई थी, और अबुल फजल ने क्या लिखी थी? अकबरनामा। विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इन दिल्ली इज ए सिंथेसिस ऑफ पर्सियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो मिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हुमायूज टोम्ब। किसका? हुमायूज टोम्ब।
हु वॉज द मुगल एम्पायर टू हैव द लिफ्टेड द जजिया, तो जजिया किसने लिफ्ट किया था, अकबर ने। इंट्रोड्यूस वापस से किसने किया था, औरंगजेब ने। कबूलियत एंड पट्टा, ये दो दो टाइप की होती, कबूलियत एंड पट्टा। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, शेरशाह के द्वारा स्टार्ट की गई थी कबूलियत एंड पट्टा। इसका टॉम कहाँ से है, सासाराम, और सासाराम कहाँ से है, बिहार। हु रोट द हुमायूं नामा, तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी हुमायूं नामा। एट वाट इज बाबर सक्सेडेड टू द थ्रोन ऑफ फरजाना, तो फरजाना की जो वो था आप लोगों का रेन था, थ्रोन था, उस पर किस एज में बैठा था ये, ये आप लोगों का लगभग लगभग 12 ईयर था और 1494 में बैठा था, कब, 14094। हु सेंट द एम्बेसडर टू बाबर एंड इनवाइटेड हिम टू डिस्प्लेस इब्राहिम लोदी इन इंडिया, किसने बाबर को इनवाइट किया था इंडिया पर अटैक करने के लिए और हटाने के लिए, कि इब्राहिम लोदी अच्छा रूलर नहीं है, उसको हटाओ और खुद आकर के रूल करो। तो बाबर को इनवाइट किया गया था, दौलत खान लोदी सेंट हिज दिलावर खान, ये दौलत खान लोदी था ना, ये इब्राहिम लोदी का चाचा था, चाचा ने ही अटैक करवाया था, बोला था, इनवाइट किया था बाबर को कि आओ दिल्ली पर अटैक करिए। उसके बाद प्रोबेबली ए मैसेंजर फ्रॉम राणा सांगा, राणा सांगा ने भी बोला था कि आओ दिल्ली पर अटैक करिए। जब बाबर को पता चला कि जब इतने इनविटेशन आ रहे हैं कि अटैक करो, फिर उसी के बाद वो अटैक करता है किस पर, दिल्ली सल्तनत पर, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, और फिर वहाँ पर हरा देता इब्राहिम लोदी को, उसके बाद इस राणा सांगा को भी हरा देता था, तो इन दोनों को हराता है। वैन वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ऊपर कंप्लीटली देख चुके हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच गन डिवाइस वॉज यूज बाय द बाबर इन द फर्स्ट, तो कौन सी डिवाइस यूज की थी, तो ओटोमन रूमी डिवाइस यूज की गई थी बाबर के द्वारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ड्यूरिंग विच बैटल डिड बाबर डिक्लेयर जिहाद, तो जिहाद किस में डिक्लेयर किया गया था, अज्यूम द टाइटल ऑफ गजनी, तो गजनी का टाइटल अज्यूम किया था, जिहाद को डिक्लेयर किया था, तो किस बैटल में डिक्लेयर किया था, बैटल ऑफ खानवा, किसके बीच लड़ी गई थी, बाबर एंड राणा सांगा, जीता कौन था, बाबर था, ईयर क्या था, 1527 था। बाबर इंजॉय द प्रेस्टीज ऑफ बींग ए डिसेंडेंट ऑफ विच टू फेमस एशियन वॉरियर, ये मतलब कि बाबर इसके एंशियंट कौन थे, ये पूछा तो चंगेज खान ऑन मदर साइड और तैमूर ऑन फादर साइड। तैमूर का अटैक कब हुआ था, 1398 में, किसके टाइम पीरियड पे, नसीरुद्दीन, किसके टाइम पीरियड पर, नसीरुद्दीन तैमूर। उसके बाद आता है तुजू के बाबुरी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो चगताई तुर्क, क्योंकि बाबर एक तुर्क था, तो अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखेगा तो अपनी लैंग्वेज में ही लिखेगा, कोई भी अगर लिखेगा तो अपनी लैंग्वेज में ही लिखेगा, तो बाबर ने भी अपनी ही लैंग्वेज में लिखी थी। उसका आपको नाम भी पूछा जाता है, तुजू के बाबरी थी। दो रूलर ऐसे थे जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है, एक तो बाबर था, दूसरा जहांगीर, पहला बाबर, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है, और किस लैंग्वेज में, तुर्क, क्योंकि ये तुर्क थे। वैन वॉज द फर्स्ट अटैक ऑफ बाबर, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है क्या 1526 का अटैक बाबर का पहला अटैक था, तो बिल्कुल भी नहीं, बाबर का पहला अटैक था बाजौर पर, और कब हुआ था, 1519 में फर्स्ट अटैक था बाबर का 1519 में। विच मुगल किंग पॉपुलराइज द यूज ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया, तो ये किसने इसका पॉपुलराइज किया था, बाबर ने। बाबर का ओरिजिनल नेम पूछा जाता है, तो आप लोग का उत्तर होगा जहीर उद्दीन, तो जहीर उद्दीन किसका ओरिजिनल नेम था, ये बाबर का ओरिजिनल नेम था। हु बिल्ट द न्यू सिटी ऑफ दीन पन्हा, तो दीन पन्हा नाम की जो नई सिटी थी ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो ये हुमायूं के द्वारा बनवाई गई थी। हुमायूं का भी ओरिजिनल नेम पूछा जा सकता है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद किसका, हुमायूं का ओरिजिनल नेम था। उसके बाद आता है विच राजपूत क्वीन सेंट टू राखी टू द हुमायूं, तो किस राजपूत क्वीन ने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो ये थी रानी कर्णावती, कौन थी, रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। विच फोर्ट वॉज नोन एज द गेट वे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, तो गेट वे ऑफ ईस्टर्न इंडिया किस फोर्ट को बोलते हैं, फोर्ट ऑफ चुनार, चुनार का किला जो वाराणसी के पास है आप लोगों का। उसके बाद आता है हु कमांडेड द रीजन ऑफ काबुल एंड कांधार ड्यूरिंग द हुमायूं रीजन, तो कौन था, हुमायूं का यंगर बर्दन कामरान वहाँ पर रूल कर रहा था। उसके बाद आता है विच मुगल मोन्यूमेंट मार्क ए न्यू बिगनिंग इन द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन द नॉर्थ इंडिया इज द डोम मेड ऑफ मार्बल एंड इट्स मोस्ट रिमार्केबल फीचर, तो ये पहला कौन था, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं डोम जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। हु बिकम द वकील ऑफ मुगल किंगडम ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ अकबर रेन, तो कौन थे, बैरम खान थे, अकबर को प्रोटेक्ट करते, पूछते कौन थे, बैरम खान। नेक्स्ट आता है बैरम खान रिजेक्ट द मुगल फोर्सेज अंडर विच टाइटल, तो इनके पास कौन सा टाइटल था, खाने खाना, कौन सा, खाने खाना। वैन वॉज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट, तो 5 नवंबर 1556 के बीच लड़ी गई थी, अकबर एंड हेमू के बीच लड़ी गई थी, हेमू को डिफीट कर दिया गया था। अकबर की ओर से कौन थे, तो बैरम खान ही होंगे जो इनके वो थे कमांडर, और 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर रूल करते हैं। 1582 में दीन ए इलाही स्टार्ट करते हैं, 1564 में जजिया को समाप्त करते हैं।
वेयर डिड अकबर सो द सी फॉर अकबर ने पहली बार सी समुद्र को कब देखा था एट कैम्बे इन गुजरात जो गुजरात के टाइम पर देखा था जब ये गुजरात को कनेक्ट करने के लिए गए थे विच मुगल एम्पायर इंस्टीट्यूट द न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दहशाला तो जो दहशाला था लैंड रेवेन्यू का सिस्टम है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था तो अकबर के द्वारा लैंड मिनिस्टर कौन थे टोडरमल जरूर पूछा जाएगा टोडरमल वाट वर द नेम गिवन टू द कल्टिवेटेड लैंड एंड अनकल्टिवेटेड लैंड ड्यूरिंग द मुगल एरा तो मुगल एरा में कल्टिवेटेड लैंड को क्या बोलते थे तो पोलाज ये आप लोगों की कल्टिवेटेड लैंड थी और जो फेलो लैंड थी अनप्रोडक्टिव लैंड थी उसको पराती बोलते थे क्या पराती हाउ मेनी कैटेगरी वर देयर इन एवरी रैंक मनसब तो मनसब में कितनी कैटेगरी हुआ करती थी तीन कैटेगरी हुआ करती थी मनसब में इवन दो मनसबदरी सिस्टम अंडर अकबर वाज डिस्ट्रिक्ट इन द वर्ल्ड परहैप्स इट इज ओरिजिन कैन बी ट्रैक बैक टू विच किंग तो ये किसका मतलब इसका ओरिजिन कहाँ पर था तो चंगेज खान यानी मंगोलों से सिस्टम लिया गया था मनसबदारी आप लोगों से पूछा जाएगा मनसबदारी जो सिस्टम था ये कहाँ से लिया गया था कहाँ से अडॉप्ट किया गया था अकबर के द्वारा तो कहाँ से मंगोलों से कहाँ से चंगेज खान मंगोलों से उसके बाद नेक्स्ट आता है द टेरिटरी ऑफ मुगल किंगडम वर डिवाइडेड इनटू विच कैटेगरी तो कितनी कैटेगरी में तो जागीर हुआ करती थी खालसा हुआ करती खालसा और इनाम हु वाज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन तो कौन हुआ करता था वजीर हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वजीर हुआ करता था और जो लैंड रेवेन्यू वाला था मैंने आप लोगों को बताया था कौन टोडरमल हाँ तो शेर शाह सूरी को जो शेर खां का टाइटल मिला था तो क्यों मिला था क्योंकि इन्होंने एक शेर को किल कर दिया था किल द टाइगर उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ शेर शाह सूरी एम्पायर तो ये कहाँ से कहाँ तक था तो बंगाल से लेकर के इंडस तक था ड्यूरिंग विच कैंपेन तो किस कैंपेन के टाइम पर शेर शाह सूरी की डेथ हुई थी तो यह था सीज ऑफ कालिंजर कब हुआ था 1545 में यहीं पर ये बहुत बुरी तरीके से वाउंड हुआ एंड उसकी डेथ हो गई थी ब्रस्टिंग ऑफ गन की वजह से किसकी शेर शाह सूरी की नेक्स्ट आता है आप लोग का व्हाट वाज द शेयर ऑफ द स्टेट इन द तो ये कहाँ ये मतलब कितना शेयर हुआ करता था स्टेट का ड्यूरिंग द शेर शाह सूरी रेन तो कितना हुआ करता था तो ये 1/3 ऑफ द प्रोडक्शन हुआ करता था उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द टॉम्ब ऑफ द शेर शाह सूरी तो कहाँ पर है सासाराम और सासाराम कहाँ पड़ता है बिहार में पड़ता है विच सूरी किंग रिस्टोर द ग्रैंड ट्रंक रोड तो किस सूरी किंग ने इसको रिस्टोर किया था तो शेर शाह सूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेर शाह सूरी के द्वारा जेटी रोड का रिस्टोर किया गया था विच सिल्वर क्वाइन वॉज इंट्रोड्यूस बाय द शेर शाह विच ऑल्सो बाई जो वही जो मुगल यूज करते थे रुपया उसे ही इन्होंने इंट्रोड्यूस वापस से इंट्रोड्यूस किया था किसने शेर शाह सूरी के द्वारा रुपया नेक्स्ट आता है द एरिया अंडर कल्टिवेशन द टाइप ऑफ क्रॉप एंड रेवेन्यू शेयर वाज रिटन ऑन द पेपर इन सूर एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वाज द सिस्टम नोन एज द पट्टा सिस्टम यही था पट्टा सिस्टम व्हेन डिड द शेर शाह से दैट फॉर ए फ्यू ग्रेन ऑफ मिलेट आई ऑलमोस्ट लॉस्ट द एंटायर एम्पायर ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आफ्टर द बैटल ऑफ द गिरी सुमेल तो गिरी सुमेल के बैटल के बाद ही बोला था किसने शेर शाह सूरी ने कि एक मुठ्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा शासन जो है ना उसको त्याग दिया ऑलमोस्ट लॉस्ट हार चुका था हु ओरिजिनली इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी तो किसने रैयतवाड़ी को ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया था तो शेरशाह सूरी के द्वारा रोहतास फोर्ट इन पाकिस्तान वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ तो शेरशाह सूरी के टाइम पर ये रोहतास फोर्ट पाकिस्तान में बनवाया गया था विच कॉपर करेंसी वाज इशूड बाय द शेरशाह सूरी तो ये दाम थी जो कॉपर करेंसी थी बाकी जो दिल्ली सल्तनत थी वो जीतल थी तो ये आप हमारी जो थी आप लोगों का जो मुगल एम्पायर था कंप्लीट मैंने आप लोगों को करवा दिया है इससे बाहर आप लोगों का मुगल एम्पायर से क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग इस वीडियो को मुगल एम्पायर में अच्छी तरीके से देख लेगा मैंने डिवाइड कर दिया मुगल एम्पायर अलग करवाया आप लोगों का दिल्ली सल्तनत अलग करवाया तो यहाँ से हमारी जो 500 ऑलमोस्ट हाफ ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद आप लोगों का एक नेक्स्ट पार्ट बचता है 500 वाला ये मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा जिसमें हम लोग ये जो 1000 वाली सीरीज है इसका एंड कर देंगे फिर हम 1000 की सीरीज ज्योग्राफी वाली स्टार्ट कर लेंगे अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आज ही प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ से जाकर के आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप कंटेंट को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और बाकी आप लोगों को जो भी आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं उसका रिप्लाई आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू।